नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के मदीना नगर में गर्मी ज्यादा होने की वजह से फरियादी ने घर की खिड़की खुली रखने से घर में रखे 4 मोबाइल और 10,000 रुपए नगद एक चोरी कर ले गया। वहीं चोरी की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां आजाद नगर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल इंदौर शहर में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं देर रात इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के मदीना नगर में रहने वाले ये रजा उल्लाह खान रात के समय अपने घर की खिड़की खोलकर सो रहे थे, तभी एक चोर खिड़की से अंदर घुस गया और 4 मोबाइल फोन और 10,000 रुपए लेकर भाग निकला। वहीं घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आजाद नगर थाना प्रभारी ने बताया कि चोर की तलाश की जा रही है और चोर को जल्द पकड़ लिया जाएगा। वहीं पुलिस द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि चोर से और भी कई बड़ी चोरी का खुलासा हो सकता है। ये मदीना नगर में हारून कमेटी हाल में रजाउल्लाह अंसारी रहते हैं। ये रात को सो गए थे और अपना खिड़की हवा के लिए खोल दी थी, तो सुबह इनकी नींद लग गई 5:30-6 बजे। तो इन्होंने फिर जब बाद में जब उठे तो देखा तो इनके 4 मोबाइल, 3 टच हैं और एक अपना कीपैड वाला है, ये वहाँ नहीं मिले इनको। कुछ पैसे भी रखे थे बता रहे पर्स में, अपना पैंट में 5-10 हज़ार रुपये, तो वो भी नहीं मिले। जब सीसीटीवी फुटेज देखे थे, वो आदमी उसमें दिख रहा है कि खिड़की से वो जा रहा है, तो उसके आधार पर देखते हैं। एक तो मोबाइल का IMI सर्च वो अपना करेंगे हम, जो हाई कार्रवाई होती है तो उसमें मिलना चाहिए। जैसे ही मोबाइल चालू करेंगे तो फंसेंगे, तो हो सकता है इससे फिर कोई बड़ा रैकेट भी खुल जाए। और इनको बोला भी है कि भाई अब थोड़ा सा सावधानी रखें, मान लो रात को लॉकडाउन खुला है, लोग बेरोजगार तो हैं। सर कहाँ का मामला है ये? अपना हारून कमेटी हाल है मदीना नगर में। बता रहा 2 व्यक्ति दिख रहे हैं इसमें, लड़के टाइप के जो दिख रहे हैं। अब उनका हुलिया से तलाश भी करा रहे, खुफिया वालों बोला हुआ, तो इसमें फिर बताने कार्रवाई करते हैं। अभी टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।